स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं ओवल इनविंसिबल्स वर्सेस नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स द 100 मैच प्रीव्यू, जो खेला जाएगा कनिंगटन ओवल लंदन पे। इस वेन्यू को अपन किया ओवल के नाम से भी जानते हैं। मैच टाइमिंग शाम के 7:30 बजे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन के अंदर आपको सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पे 4 अगस्त को ओवल इनविंसिबल्स वर्सेस लंदन स्प्लिट के बीच में द 100 का मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों जो पिच रहने वाली है ये यूज पिच रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप सोचो लास्ट टाइम 4 अगस्त को मैच हुआ था, तो 10 दिन का भी दोस्तों गैप नहीं हुआ। आमतौर पर यूज पिच के ऊपर मैच होना चाहिए। तब देखो जब भी दोस्तों क्रिंगटन ओवल के ऊपर मैच हुआ है, द 100 के लास्ट ईयर की भी बात कर रहा हूँ और इस साल दोस्तों जो 4 अगस्त को मैच हुआ था उसकी ऑब्जर्वेशन भी बता रहा हूँ। पिच दोस्तों बैटर फ्रेंडली रहती है, रन बनते हैं यहाँ पे भरपूर, और दोस्तों यहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ी बहुत बॉल ग्रिप करी थी लास्ट मैच के अंदर। तो इस मैच में अगर यूज पिच होती है तो और यहाँ पे दोस्तों पिच ग्रिप कर सकती है, किसके लिए, स्पिनर्स के लिए। मेरे पास दोस्तों कुछ फोटोज है पिच वगैरह की, बाउंड्री डायमेंशन कैसा दिखता है ये सब आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। तो आप देखो जो पिच यहाँ पे कनिंगटन ओवल लंदन, जिसको अपन किया ओवल के नाम से भी जानते हैं, ये दोस्तों आप पिच को देख सकते हो, इस तरह से पिच दिखती है, बढ़िया पिच है। यहाँ पे रन बनते हैं दोस्तों, मेरे हिसाब से थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे स्लो सकता है विकेट, क्यों, यूज्ड पिच होती है तो यहाँ पर, ठीक है। तो आप पिच को यहाँ पे देख सकते हो, बढ़िया पिच है, रन्स तो बनेंगे दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि द 100 है, 100 बॉल का टूर्नामेंट है, दर्शक दोस्तों यहाँ पे एंटरटेन होने चाहिए, ठीक है। लो थ्रिलिंग मैच आपको नहीं देखने को मिलेगा, एक अच्छा खासा मैच देखने को मिलेगा। सामने की बाउंड्री यहाँ पे 67 मीटर है, ये चीज आपको ध्यान देनी है, थोड़ी सी छोटी है। जो स्क्वायर बाउंड्रीज है, एक तरफ 67 मीटर है, एक तरफ 70 मीटर है, तो कह सकते हैं ये मैदान थोड़ा सा कंपस की तरह है, जो आपने देखा रहेगा ना अपना चंद्र जैसा रहता था, जिसके अंदर दोस्तों अपन प्रोटेक्टर बोलते थे, तो इसका जैसा मैदान है, सामने से पूरा एकदम बढ़िया से शेप में, यहाँ पे आते फिर थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, ये थोड़ा सा ऐसे शेप के अंदर कटा हुआ है, तो अच्छा स्टेडियम है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत व्यू भी आता है स्टेडियम का, आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ सामने से चपटा हो जाता है पूरा एकदम, इधर से ऐसे इस जगह से, तो अच्छा स्टेडियम है दोस्तों, खूबसूरत ये स्टेडियम है और बहुत ही अच्छा व्यू आता है स्टेडियम का। आप देखो यहाँ पर क्या व्यू आ रहा है दोस्तों, दर्शक बैठे हुए हैं, मैच देख रहे हैं मस्त, ये तो दोस्तों लाइफ में चाहिए आपको भी। ये देखो ये इसके लिए बहुत पॉपुलर, आपने ऐसी डिजाइन देखी होगी स्टेडियम के बारे, लोहे की, इसके लिए भी बहुत पॉपुलर है स्टेडियम। चलते हैं स्टैट्स की तरफ, किन किन दो लोगों को दोस्तों पता है क्या है, कमेंट करके बताना दोस्तों, मैं जानना चाहूंगा कौन कौन दोस्तों इसके बारे में जानता है, स्पिलर के बारे में एक हिस्ट्री रही है। चलते हैं किसकी तरफ, स्टैट्स की तरफ। ये होम ग्राउंड है किसका, ओवल इनविंसिबल्स का, आप नाम से पढ़ सकते हो यार, क्लियरली आप लिखा हुआ है कनिंगटन ओवल, किया ओवल, दोनों बार ओवल आ रहा है, टीम का नाम भी ओवल है, तो ओवल इनविंसिबल्स का होम ग्राउंड है, इनका घरेलू मैदान है। इस वेन्यू के ऊपर उन्होंने 5 मैच खेले हैं, 4 मैच जीते हैं, और दोस्तों अपना इकलौता मैच जो पिछला यहाँ पे हुआ था लंदन स्प्लिट के खिलाफ 4 अगस्त को हारे थे, मतलब इस वेन्यू के ऊपर जो लास्ट मैच था वो हारे थे, वरना दोस्तों और 4 मैचेस यहाँ पे जीते हैं आउट ऑफ लास्ट 5 गेम्स। नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स यहाँ पे नहीं खेली है। अब देखो इस वेन्यू के ऊपर लास्ट 10 मैचेस में क्या हुआ है, जो टीम बैट फर्स्ट करिए 4 मैच जीती है, जो टीम चेस करिए 6 मैच जीती आउट ऑफ लास्ट 10 गेम्स। औसतन स्कोर 150 तक बनना चाहिए नॉर्मली। अब देखो लास्ट 10 मैचेस में यहाँ पे विकेट कॉलम क्या बोलता है, देखो यहाँ पे पेसर्स ने, तेज गेंदबाजों ने 77 विकेट निकाले, पहली पारी में 35 है, दूसरी पारी के अंदर 42 है, राइट आर्म पेसर के 50 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर के 27 विकेट है। आमतौर पर क्या होता है, आप देखो कि पहली पारी के अंदर गेंदबाज ज़्यादा विकेट निकालते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, उल्टा दोस्तों दूसरी पारी के अंदर यहाँ पे 7 विकेट ज़्यादा कंपेयर टू द फर्स्ट इनिंग्स। स्पिनर की बात करते हैं तो लास्ट 10 मैच के अंदर स्पिनर्स के 34 विकेट है, पहली पारी में 19 है, दूसरी पारी के अंदर 15 है, तो 4 विकेट कम उल्टा दूसरी पारी के अंदर स्पिनर्स का। ऑफ स्पिनर्स के 15 विकेट है, लेग स्पिनर्स का 7 विकेट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का यहाँ पे 12 विकेट है। जो लास्ट मैच यहाँ पे खेला गया था 4 अगस्त को ओवल इनविंसिबल्स वर्सेस लंदन स्प्लिट के बीच में मैच था, और उस मैच के अंदर कुल मिला के 13 विकेट गिरे थे, 9 विकेट दोस्तों पे पेसर ने निकाला था और 4 विकेट वहाँ पे स्पिनर ने निकाला था। क्लाउडी वेदर फोरकास्ट हल्का सा रहेगा, बारिश होनी नहीं चाहिए ना के बराबर, यार क्लाउडी नहीं सन्नी है, क्षमा चाहता हूँ, ठीक है आपसे, सन्नी वेदर फोरकास्ट है और बढ़िया माहौल है दोस्तों, 28 डिग्री है, आमतौर पर यहाँ पे 20 डिग्री रहता है अपने UK के अंदर टेम्परेचर, गर्मियों में भी सोचो आप, बढ़िया माहौल रहेगा, एकदम अच्छा मौसम रहेगा दोस्तों क्रिकेटिंग प्लेयर्स के लिए। ये दिन का मैच है, दोपहर का मैच है, वहाँ पे 1-2 बज रहा रहेगा, चीज़ आपको पता रहनी चाहिए, ये डे मैच है, वहाँ पर दिन का मैच रहेगा, तो थोड़ा सा दोस्तों आपके स्पिनर्स को मदद मिल सकती है इस मैच के अंदर, और बैट फर्स्ट करना गलत नहीं होगा स्वेन्यू के ऊपर दिन के मैच के अंदर। और न्यूज़ की बात करते हैं, सैम बिलिंग्स और विल जैक्स नेशनल ड्यूटी के ऊपर है, ये दोनों प्लेयर्स किसके लिए खेल रहे हैं, इंग्लैंड लाइन्स के लिए खेल रहे हैं वर्सेस साउथ अफ्रीका, टेस्ट मैच हो रहा है ना वो,
प्रैक्टिस मैच उसके लिए। हैरी ब्रुक भी दोस्तों नेशनल ड्यूटी के ऊपर है, सैफ जैब रिप्लेसमेंट प्लेयर है जो लेफ्टी बैटर है। चलते हैं दोनों टीम्स ने आपस में एक मैच खेला और मैच दोस्तों ओवल इनविंसिबल्स ने जीता था। लाइनअप्स की बात करते हैं तो इस साल क्या हुआ है, ओवल इनविंसिबल्स पहला मैच हारी दूसरा जीती। जसन रॉय ओपन करेंगे, जैक हेनेस ओपन कर सकते हैं, विल जैक्स नहीं है ना इसलिए। रैली रेशो सैम करन जॉर्डन कॉक्स जैक लिनिंग आएंगे, सुनील नारायण टॉम करन रीस टोपली मोहम्मद हसन एंड डैनी ब्रिक्स। चलते हैं यहाँ पे किसकी तरफ, नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स, ये अपना पहला मैच जीती दूसरा दोस्तों हारी। और फेफ डुप्लेसिस यहाँ पे कप्तानी कर रहे हैं, अभी तक बड़ी पारियां नहीं आई हैं। एडम लिथ आएंगे इनके साथ ओपन कर रहे हैं, माइकल पेपर दोस्तों बहुत अच्छे दिखे थे लास्ट मैच के अंदर भी। डेविड विल्ली आएंगे वाइस कैप्टनसी कर रहे हैं, लास्ट मैच नहीं खेला था उन्होंने। एडम उस जॉन सिम्सन डेविड वीसे डीजी ब्राव और ऑला फंडमोवे आदिल राशिद मैथ्यू पॉट्स। पर मेरे को सुनने में दोस्तों ये आया कि मैथ्यू पॉट्स सिर्फ दो मैचेस के लिए अवेलेबल थे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देखो मैथ्यू पॉट्स अनअवेलेबल, तो इनको कौन रिप्लेस कर सकता है, इनको भाई साहब रिप्लेस कर सकता है बेन रेन जो लास्ट मैच में करे थे, और वहाँ भी आज दोस्तों अवेलेबल है, लास्ट मैच में दिखे थे ठीक है, मतलब ड्रेसिंग रूम में यहाँ पे बैठे हुए। दोनों टीम्स ने देखो अब यहाँ पे लास्ट मैच में कैसा परफॉर्मेंस दिया उसकी बात करते हैं। लास्ट मैच स्कोर कार्ड की जसन रॉय वही कहानी है जो इनका पूरा इंग्लैंड समर में निकल गया, पहले मैच में जीरो, दूसरे मैच के अंदर 10 बनाया 10 गेंदों के अंदर, 100 के अंदर रैली एरोशन ने 5 बनाया, सेकंड लास्ट मैच ही खेला था, पहला मैच नहीं खेला था इन्होंने। सैम करन ने पहले मैच के अंदर एक विकेट निकाला, 8 रन बनाए, दूसरे मैच के अंदर भी एक विकेट निकाला, रन्स कम दे रहे हैं। अच्छी चीज़ यही है कि ऐसा नहीं है कि 20 बॉल में 50 रन खा रहे हैं, 40 रन खा रहे हो, 30 रन खा रहे हो, मतलब मैक्सिमम 24-25 रन दे रहे हैं। और लास्ट मैच में 26 रन विद द बैट भी बनाया था, 2 डाउन खेलेंगे इस मैच में तो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, सैम बिलिंग्स नहीं रहेंगे। जॉर्डन कॉक्स 39-30 गेंदों के अंदर रहा था और लास्ट मैच में बैट करने नहीं आए थे। सुनील नारायण 9 रन 7 गेंदों के अंदर, 2 विकेट निकाला 25 रन देके, लास्ट मैच में 6 रन बनाए 5 गेंदों में, 3 विकेट निकाला 21 रन देके, तो भाई साहब क्वालिटी गेंदबाजी कर रहा है। इतने सालों से दोस्तों ये फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहा है, इसको भली बात ही पता है भाई को नारायण को कि कैसे गेंदबाजी करनी है, किस तरह से दोस्तों मेरे को विकेट्स निकालने हैं, तो अब आदत सी हो गई इनकी। टॉम करन पहले मैच के अंदर धुलाई भी 40 रन दे दिया था 20 गेंदों के अंदर, दूसरे मैच में कमबैक, देखो भाई का कमबैक किसे बोलते हैं, पहले मैच में कितना 40 रन दिया, दूसरे मैच में तो उसका आधा भी नहीं दिया, 14 रन दिए 2 विकेट निकाला, क्लास गेंदबाज है टॉम करन, विद द बैट भी बहुत अच्छा प्लेयर है इसका दोस्तों, बैटिंग स्टाइल गजब लगता है देखने के अंदर, आप देखना जो बैट स्विंग है बंदे का बहुत फास्ट है और इसके हैंड्स भी दोस्तों बहुत क्विक है। रीस टोपली पहला मैच खेला था, एक विकेट निकाला 26 रन दे के 20 गेंदों में। हसनैन ने पहले मैच में 15 बॉल डाली, लास्ट मैच में 10 बॉल डाली, जिनसे पूरे ओवर्स नहीं करा रहे जा रहे हैं सैम ब्लिंग्स के द्वारा। इस मैच में कप्तानी दोस्तों जसन रॉय करेंगे, जितना मैंने सुनने में आया है मेरे को, जसन रॉय विल लीड दिस टीम ओवल, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है जितना सुनने में दोस्तों आया है मेरे को न्यूज़ वगैरह। और फिर यहाँ पे देखो हसनैन ने 15 बॉल और 10 बॉल डाली, रन भी खाए थे लास्ट मैच में, तो अच्छी गेंदबाजी की थी, 10 बॉल में 10 रन दिया था तो भी इनसे ओवर नहीं कराए थे। डैनी ब्रिक्स 5 बॉल 10 रन दिया विकेटलेस गए, और लास्ट मैच के अंदर 10 बॉलों में 24 रन दिया विकेटलेस गए। मैट मिल्स खेल सकते हैं, इन्होंने 24 रन दिया था लास्ट मैच में 20 बॉलों के अंदर। स्टार्टिंग में डैनी ब्रिक्स मॉडर्न स्नेन सैम करन टॉप लिया तो मैट मिल्स, डेथ के अंदर स्नेन आने चाहिए, लास्ट मैच में नहीं आए थे। सैम करन टॉम करन दोनों ब्रदर आपको दिखेंगे। सुपर चार्जर्स की बात करते हैं तो हम फैफ डुप्लेसिस ने पहले मैच में 15 बनाया फिर 0 बनाया, एडम लिथ का पहले मैच में 51 था फिर 0 था, माइकल पेपर का 12 रन 15 रन स्टार्ट ले रहे हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। डेविड विल्ली का पहले मैच के अंदर 29 रन 21 गेंदों में, 2 विकेट था 24 रन देके। वीसा का पहले मैच में 15 रन था 6 गेंदों के अंदर, लास्ट मैच में 50 रन था 27 गेंदों में। फ़र्क क्या है, दोनों मैच में बॉलिंग से विकेटलेस गए और पिटाई हुई, पहले मैच में 20 गेंदों में 45 रन दिया, लास्ट मैच के अंदर 10 गेंदों में 18 रन दे दिया था, फिर फैफ डुप्लेसिस ने इसे गेंदबाजी नहीं कराई। एडम होस पहले मैच में बैट नहीं करा, दूसरे मैच 14 रन पे आउट हो गए थे, वहाँ पे स्टंपिंग हुई थी, समित पटेल गेंदबाजी कर रहे थे, बहुत नाखुश थे जब आउट हुए थे क्योंकि उनको लगा मेरा पांव अंदर था। डीजे ब्राव एक विकेट है 32 रन दे के पहले मैच में, दूसरे मैच के अंदर 2 डाउन आ गए थे, 19 रन बनाया था 12 गेंदों के अंदर, बहुत अच्छे दिख रहे थे, क्या टाइम करा था दोस्तों यहाँ पे डीजे ब्राव बॉल को, देखने लायक इनका विद द बैट शॉट्स आए थे, जो शॉट्स मारे थे ना डीजे ब्राव ने, बहुत अच्छे शॉट्स मारे थे डाउन द ट्रैक ऑन साइड पे, जो एक ऑन ड्राइव खेला था बहुत अच्छा शॉट था वो भी, एक विकेट निकाला था 28 रन दे के। रॉला फंडमोवे पहले मैच में 10 गेंद में 15 रन दिया, लास्ट मैच के अंदर 10 गेंदों में 19 रन दिया, विद द बैट 30 रन बनाए। आदिल राशिद का पहले मैच में एक विकेट था, दूसरे में भी एक विकेट था, फर्क यह था पहले मैच में 20 रन दिया दूसरे में 29 रन दिया। मैथ्यू पॉट्स शायद ना खेले, इतनी खास गेंदबाजी नहीं करी है। बेन रने ने 19 गेंद में 31 रन दिया, डेथर भी इससे कराया गया था, ये अच्छी चीज़ है किसके लिए, बेन रने के लिए जो पिक करेंगे उनको। स्टार्टिंग और डेविड विल्ली मैथ्यू पॉट्स अगर अवेलेबल होते हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है अवेलेबल नहीं होंगे, तो स्टार्टिंग और डेविड विल्ली रॉला फंडमोवे और यहाँ पे आएंगे कौन, बेन रने। चलते हैं दूसरे डेथर की तरफ, डेविड विल्ली ब्रावो और वीसा आदिल राशिद,
चलते हैं दोस्तों यहाँ पे वेन्यू स्टैट्स की तरफ, जो स्वानी के ऊपर मैच हुए हैं। जो मैदान है दोस्तों ये कौन सा, ओवल द किया ओवल कैरिंगटन ओवल। तो यहाँ पे देखो जस्टिन रॉय ने 69 मैच खेले, 33 की औसत है, 21 सौ रन है, 30 times 30+ स्कोर करा है। यहाँ पे जैक हैरिस इस वनी पे नहीं खेले, ये नहीं खेले भाई साहब, ये तो उसका था विल जैक्स का, 12 times 30+ एंड 7 केम इन द सेकंड इनिंग्स, ठीक है विल जैक्स का था, मैंने लिख रखा था आपको बताओ तो, लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने शो करा था। अब देखो यहाँ पे और कौन है, रायल रैशो 23 रन 6 रन बैट फर्स्ट है, नारायण का 13 मैचों में 15 विकेट है, 157 रन 2 मैच के अंदर विकेट लस गए हैं। जैक लिनिंग का 5 मैच के अंदर 49 रन है, जॉर्डन कॉक्स का 4 मैच में 93 रन है, बैट फर्स्ट 54-0, चेस के ऊपर 39 है। सैम गरन 33 मैच 34 विकेट है, 450 रन 12 मैच के अंदर विकेट लस गए हैं। टॉम गरन 42 मैच 40 विकेट है, 400 रन है 15 मैच के अंदर विकेट लस गए। रेस टॉपली 18 में 18 विकेट है, 3 मैच के अंदर विकेट लस गए। हसनैन का 2 विकेट है, बॉल फर्स्ट 1 ही मैच खेला है। डैनी ब्रिस का 12 मैचों में 6 विकेट, 5 मैच के अंदर विकेट लस गए। चलते हैं नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स, फैफ डू प्लेसिस ने यहाँ पे 18 बनाया था चेस करते हुए, 2008 या 2010 की बात है वो। एडम लिट ने 0 बनाया बैट फर्स्ट करते हुए, माइकल पीपर कैंप पे 15 नाबाद है चेस करते हुए, विल लेगा 30 रन प्लस 2 विकेट है, एडम ऑस्का इस वनी के ऊपर 36 रन प्लस 5 रन है चेस करते हुए, जॉन सिम्पसन का यहाँ पे दोस्तों 1 मैच के अंदर 11 मैचेस के अंदर 98 रन है। दोस्तों पहले 1 लिखा हुआ था मैं, दोस्तों घबरा गया था देख के जॉन सिम्पसन ने 1 मैच में 98 रन कब बना दिया, मैंने दोस्तों दोबारा चेक करा तो पता चला 11 मैच था, मैंने 1 डंडा नहीं लगाया था वहाँ पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मेरे को हमेशा स्टैट्स दिमाग में याद रहता है तो मैं जाके दोबारा चेक कर लेता हूँ अगर मैंने कोई मिसटाइप कर दिया हो तो। डेविड वीसा का 5 मैच के अंदर 81 रन है, 3 विकेट्स हैं यहाँ पे, बॉल फर्स्ट 3 मैच में 3 विकेट है, बॉल सेकंड 2 मैच में 0 विकेट है, 2 मैच के अंदर विकेट लस गए, 81 रन विद द बैट है, अच्छा बैट कर लेते हैं वीसा। डीजे ब्रावो 8 मैचों में 10 विकेट है, 68 रन विद द बैट है, बॉल फर्स्ट 4 मैच में 6 विकेट है, बॉल सेकंड 4 मैचों में 4 विकेट, 2 मैच के अंदर विकेट लस गए। रॉयल ऑफ वंडर मुंबई 8 मैच में 13 विकेट है, इस सोने पे दोस्तों अच्छी गेंदबाजी करते हैं, आमतौर पर 1 मैच के अंदर विकेट लस गए, बॉल फर्स्ट 2 मैच में 3 विकेट है, बॉल सेकंड 6 मैचों में 10 विकेट है। इस मैच में दोस्तों रॉयल ऑफ वंडर को आप ट्राई कर सकते हो, मैंने एक भी मैच में आपको नहीं कहा था ट्राई करना है इस बंदे को, इस मैच में कह रहा हूं थोड़ा सा रिस्की रहेगा लेकिन एक दो टीम में रोटेट कर सकते हो, हर टीम में लेके मत बैठ जाना। आदिल राशिद 2 मैच खेले, 1 विकेट बॉल सेकंड, 0 विकेट बॉल सेकंड है, वहाब रियाज का 3 विकेट बॉल सेकंड, 1 विकेट बॉल फर्स्ट है। हेड टू हेड स्टैट्स की तरफ चलते हैं, जब दोनों टीम सामना सामना करती है तो क्या हुआ है, दोनों टीम्स ने एक ही मैच खेला आपस में। जस्टिन रॉय 52 करा था बैट फर्स्ट करते हुए, विल जैक्स का 2 रन था, नारायण का 22 रन प्लस 1 विकेट था बैट फर्स्ट, टॉम गरन ने 34 रन प्लस 1 विकेट निकाला, अरिश टोपली का 0 विकेट था बॉल सेकंड, डैनी ब्रिस का 1 मैच में 2 विकेट था हेडपुट के अंदर। चलते हैं यहाँ पर नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की तरफ, एडम लिट का 1 रन था हेडपुट के अंदर, डेविड विल्ली का यहाँ पे 4 रन था चेस करते हुए, जॉन सिम्पसन का 19 रन था चेस करते हुए, रॉयल ऑफ वंडरवे का हेडपुट के अंदर 2 मैचों में 2 विकेट 20 रन है, आदिल राशिद का 3 विकेट बॉल फर्स्ट था, मैथ्यू पॉट्स का 1 विकेट बॉल फर्स्ट था, एरी ब्रूक का 47 नॉट आउट था, वहाब रियाज एक्स प्लेयर है और जॉर्डन क्लार्क, वहाब रियाज नहीं यार जॉर्डन क्लार्क एक्स प्लेयर है, ठीक है जॉर्डन क्लार्क एक्स प्लेयर है, वहाब रियाज दोस्तों ट्रेंट रॉकेट्स के एक्स प्लेयर थे जो लास्ट मैच खेला था ना उनके खिलाफ, तो वो रिटर्न नहीं रह सका ऐसा ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। या टोट शर्सों को बता ही दिया मैंने, यह लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस है द 100 का, कौन लास्ट ईयर द 100 खेला था, फेव टू प्लस ने लास्ट ईयर द 100 नहीं खेला था उसलिए मैंने ऐसा मार्क किया हुआ है। उसके बाद लिखा 2022 का फॉर्म, 27 मैच 450 रन 33 की औसत है, एडम लिट ने लास्ट ईयर द 100 5 मैच खेले थे, 40 रन थे 2 विकेट था। इसी तरह आप सारे प्लेयर्स के स्टैट्स को समझ सकते हो देख सकते हो। मैचअप्स की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेयर बैटल जिसको अपन जानते हैं, जस्टिन रॉय वर्सेस डेविड विल्ली, 23 गेंद 36 रन, 3 बार आउट कराया, 2 बार दूसरी पारी के अंदर। ब्रावो ने 3 गेंदों के अंदर 2 रन देके 2 बार आउट कराया जस्टिन रॉय को, अच्छा मैचअप है। वीसा ने 28 गेंदों में 57 रन देके 3 बार आउट कराया जस्टिन रॉय को, 2 बार पहली बारी में। रॉयल ऑफ अंडम अभी फंसाते हैं जस्टिन रॉय को, 15 गेंदों में 24 रन देके 2 बार आउट किया है और दोनों बार दूसरी पारी के अंदर आउट कर रखा है इनको। विल जैक्स अवेलेबल नहीं है, सुनील नारायण की बात करते हैं, इनका भी यार मैचअप क्या बताऊँ बहुत नीचे आते हैं आजकल सुनील नारायण, लास्ट सीजन के अंदर तो वन डाउन खेलते थे, इस सीजन के अंदर वन डाउन खेलने का मौका ही नहीं मिला है। तो इनका मैचअप बनता है यहाँ पे ब्रावो के सामने, 39 गेंद 42 रन, 3 बार आउट कराया, वहाब रियाज ने 4 बार आउट कराया, वीसा ने 2 बार आउट कराया, 7 गेंदों में 5 रन देके, रॉयल ऑफ वंडरवे ने 1 बार आउट कराया। चलते हैं यहाँ पे सैम बिलिंग से भी अवेलेबल नहीं है, इनका भी मैंने मैचअप दिया हुआ है वैसे तो, हिल्टन कार्टराइट शायद ना खेले। रैले रशो की बात करते हैं, इनका मैचअप बनता है वाप के सामने, 67 गेंद 89 रन, 3 बार आउट कराया, बरावे ने 22 गेंदों में 28 रन देके 1 बार आउट कराया, वीसा ने इनको 50 गेंद में 80 रन देके 1 बार आउट कराया। फैफ डुप्लेसिस वर्सेस सुनील नारायण, 85 गेंद 60 रन, 2 बार आउट किया, दोनों बार दूसरी बारी में, इनके सामने बहुत डिस्टेंस डिफेंसिवली खेलते हैं, पर यह 100 है छोटा फॉर्मेट है तो अटैक करके खेलना ही पड़ेगा, इनको विकेट दे सकते हैं उनको। सैम करन के सामने 22 गेंद 45 रन, 2 बार आउट हुए और दोनों बार पहली पारी में आउट हुए फैफ डुप्लेसिस, दोनों दोस्तों टीम में अटर चुके हैं सीएसके के लिए। एडम लिट
और दोनों ने साथ में ओपन करा है, एफएफ ने और सैम करन ने, ठीक है, एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। एडम लाइथ वर्सेस डैनी ब्रिक्स, बार अगेन 11 रन, दो बार फंसाया, दोनों बार दूसरी पारी में फंसाया इनको। टॉम बाबा ने इनको एक बॉल में 0 रन देकर एक बार आउट करा है। माइकल पेपर वर्सेस सुनील नारायण, 0 रन, एक बॉल, एक बार आउट किया है। टॉपली बाबा ने 3 गेंदों में 7 रन देकर एक बार आउट करा है, छक्का, 1 रन, फिर आउट किया, इस तरह से आउट किया था। मैट विलियम्स ने 13 रन देकर 10 गेंदों में एक बार आउट कर रखा है। डेविड विल्ली वर्सेस नारायण, 20 गेंद, 11 रन, 3 बार आउट करा, 2 बार दूसरी पारी के अंदर। अच्छा मैचअप है, वीरसे का कोई पर्टिकुलर स्ट्रगल नहीं, नारायण को डिफेंसिवली खेलते हैं, सुनील नारायण को 15 गेंदों में 4 रन है। चलते हैं यहाँ पे एडम होस्ट पैट्रिक ब्राउन के सामने, थोड़ा सा मैचअप है, ज्यादा मैचअप साउटर के सामने जो लेग स्पिनर है। कॉमन कैप्टन सैम करन सुनील नारायण, बड़ी लीग में बनाओ दोस्तों यहाँ पे कैप्टन सैम करन सुनील नारायण टॉम करन डेविड विली लग जाने फेव डुप्लेसिस रैली रश डेविड वीसा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ड्रीम इलेवन टीम की, तो कैप्टन यहाँ पे कौन, भाई साहब कैप्टन है सैम करन, वाइस कैप्टन है सुनील नारायण, वीसा है, विली है, विली खेलते हैं तो भाई साहब कैप्टनसी के प्रबल दावेदार हो सकते हैं वो। फेव डुप्लेसिस जसन रॉय, रैली रश, माइकल पेपर, आदल रश, डीजे ब्राउ, टॉम करन आपको दिखेंगे टीम के अंदर। अब देखो बड़ी लीग में करना है, डरना नहीं है दोस्तों बिल्कुल। टू गेट समथिंग यू नेवर हैड देन यू हैव टू डू समथिंग दैट यू नेवर हैव डन द पास्ट। इसका मतलब क्या हुआ, लाइफ में दोस्तों कुछ बड़ा पाना है ना तो कुछ अलग करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। और सबसे पहले दोस्तों आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था लेकिन दोस्तों नहीं बोल पाया, दिमाग से निकल गया, फोकस था मेरा मैच के ऊपर। तो रक्षाबंधन की दोस्तों हार्दिक हार्दिक आप सबको शुभकामनाएं। यह सर दोस्तों प्यार बनाए रखें अपने फैमिली के साथ, और भी जो आपके अंदर जो बोलते हैं ना दोस्तों कैरेक्टर्स, वो दिखाते रहें सबको, जो आपका दोस्तों हेल्पिंग नेचर है अपने सिस्टर के थ्रू, किसी भी मतलब वही दोस्तों लाइफ है। कल दोस्तों क्या हो, किसने क्या देखा यार, ठीक है। तो हमेशा दोस्तों जो आप मोमेंट जीरो ऐसे जो आपका लास्ट डे करके, तब आपको दोस्तों उसको अच्छे से इन्जॉय कर पाओगे, आपको प्रेशर भी नहीं रहेगा, आप बोलते ना दोस्तों आप लाइफ को एक अलग तरीके से देखोगे। तो हमेशा ऐसे उस डे को या दोस्तों उस मोमेंट को इस तरह से देखोगे आपका लास्ट मोमेंट है लाइफ का, हर बार आपके लिए दोस्तों एक यादगार मोमेंट बनेगा फिर वो, ठीक है। यही दोस्तों लाइफ होती है, मैं आपको यही हमेशा बड़ी सजेशन दूंगा। जॉर्डन कॉक्स, ठीक है, ज्ञानबाजी कम अब फोकस करते हैं दोस्तों, ज्ञानबाजी में हमेशा ऐसी नहीं करता यार जो अलग ही लेवल की हो गई यार, मैं ये कर दिया था, वो कर दिया, मैंने ये किया ड्रीम इलेवन में, मेरे पास घर है, ये हुआ है, मैं ऐसे कभी दोस्तों ज्ञानबाजी नहीं करता। जो अच्छी चीज़ रहती है मैं आपको बताता हूँ कि आपको दोस्तों लाइफ में क्या करना है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ें दोस्तों आपसे मैं ज्ञान देता हूँ। जॉर्डन कॉक्स की बात करते हैं तो भाई साहब ये बहुत अच्छे प्लेयर है, बस दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि थोड़ा सा नीचे खेलते हैं, पर इस मैच में सैम ब्लिंक्स नहीं है, विल जैक्स नहीं है, तो क्या पता है इस भाई साहब से ओपन करा लिया जाए, ये भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। प्लेयर दोस्तों बहुत टैलेंटेड है बंदा जॉर्डन कॉक्स, माइकल पेपर में और दम है भाई साहब, जो कॉलर वॉलर ऊपर करके आता है बैट करने, देखना दोस्तों स्टाइल ही अलग है भाई की, मतलब और बहुत अच्छा लगा मेरे को उसका खेलने का, जो एटीट्यूड था ना, क्या शॉट मारा था यार, जो छगा मारा था लिक्विड को एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से, भाई क्या शॉट था, वो तगड़ा शॉट था, जो स्टाइल थी शॉट मारने की, कदमों का इस्तेमाल किया वहाँ पे, आगे बढ़े, बैट का स्लाइस किया, बैट का मुंह खोला आखिरी मोमेंट पे, और दोस्तों खड़े रह गए शॉट मारते ही। माइकल पेपर शॉट ऑफ द डे था, शॉट ऑफ द 100 था मेरे लिए, ठीक है। जॉन सिप्शन थोड़े रिस्की है। चलते हैं यहाँ पे फैफ इंपॉर्टेंट, डबल जैक्स अवेलेबल नहीं है। एडम ने दोस्तों वही बात है कि नारायण इनको परेशान कर सकते हैं और सैम करन भी थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चलेंगे, मैं नहीं कह रहा, मैं कैसा कह रहा हूँ कि दिक्कत हो सकती है और क्या पता मौका बन जाए और ये आउट ना हो, 50 रन कर जाए, ये भी हो सकता है। रैले रशो दोस्तों इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जस्टिन रॉय का होम ग्राउंड है यार, कप्तानी करेंगे इस मैच में, तो देखते हैं क्या फॉर्च्यून्स बदलते हैं इनके लिए। नारायण इंपॉर्टेंट, सैम करन इंपॉर्टेंट, विसा इंपॉर्टेंट, विल्ली इंपॉर्टेंट है, अगर विल्ली नहीं खेलते तो रॉल ऑफ एंड ग्रैंड लीग पिक बनते हैं भाई। चलते हैं यहाँ पे ब्रावो की तरफ, इंपॉर्टेंट आदिल इंपॉर्टेंट, टॉम ग्रैंड इंपॉर्टेंट है, हसन को दोस्तों मैं लेना चाहता हूँ, मैंने पहले मैच में लिया भी था, दूसरे में भी लिया था, फर्क क्या था, दूसरे के अंदर 10 बॉल कराई, पहले मैच में 15 बॉल कराई और विकेटलेस गए थे लास्ट मैच के अंदर, ठीक है। डैनी ब्रिक्स को रोटेट कर सकते हो टीम के अंदर। चलते हैं दोस्तों की तरफ, कोई भी फर्दर अपडेट्स अगर दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, कैसे जुड़ना, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल कमेंट सेक्शन प्लस लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखते रहिए स्टैट्स गुरुजी, स्टैट्स गुरुजी आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। जय हिंद।